तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, उसके सिंबल और फॉर्मूला से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके फॉर्मूला या फिर सिंबल से उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन नहीं रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑफ इट्स फॉर्मूला और सिंबल। जैसे देखो मान के चलो हमने बोला आपको कि मैग्नीशियम का रिएक्शन कार्बाव किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है ना। तो ये जो अब हम लोग देखो यहां पे हर एक वर्ड को यहां पे लिख रहे हैं ना, लेकिन अब जो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, देखो इसे आप केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम को हम लोग एमजी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसी तरीके से ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, है ना, ये हो गया आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहने का मतलब है कि अगर चीजों को लिख के नहीं हम लोग उसके सिंबल और फॉर्मूला से जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, है ना। अब देखो ये इससे लिखने का फायदा क्या है, एक तो टाइम का बचत होगा, है ना, लिखना इतना नहीं पड़ेगा। चलो देखो केमिकल इक्वेशन है ना, वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलो हम लोग देख लेते हैं बैलेंस और अनबैलेंस, बट उसके पहले एक और मैं एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने ले लिया मान के चलो एक और ले लेते हैं, सोडियम का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये बनेगा भाई आपके सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब इसी चीज को आप इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोडियम का क्या होता है Na, ऑक्सीजन का O2, है ना। अब ये रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O, है ना। तो बहुत सारे केमिकल इक्वेशन आपके हो सकते हैं, लाइक जैसे मान के चलो जिंक का रिएक्शन करा दिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो क्या होता है, जिंक का सल्फेट, है ना, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था जिंक का सल्फेट बनेगा अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये सारे आपके एग्जांपल हो गए, है ना। चलो अब हम लोग समझने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है। ये हो गया यहां पे मैं लिख देता हूं बैलेंस, केमिकल रिएक्शन, और यहां पे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं। देखो जब बैलेंस की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं रिएक्टेंट साइड, वो इक्वल टू होगा किसका, नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होगा आपके प्रोडक्ट साइड, है ना। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, है ना। जो रिएक्टेंट में होगा उतना ही आपके एटम्स किसमें होंगे, प्रोडक्ट साइड होगा। तो उस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होंगे, उस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, that type of reaction is said to be balanced
केमिकल रिएक्शन, सिया है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे मान के चलो हमने ले लिया एक एग्जांपल, जिंक का रिएक्शन करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सो इन दैट केस जिंक का सल्फेट बनेगा अलोंग विथ एच टू गैस आपके रिलीज होते हैं, राइट। तो देखो यहां पे नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड है वो कितना, जिंक कितना है आपके यहां पे, ये हो गया आपके रिएक्टेंट एंड दिस वन विल बी प्रोडक्ट, है ना, ये जो हो गया आपके, ये हो गया प्रोडक्ट। तो यहां पे देखो ये है आपका प्रोडक्ट, तो देखो यहां पे जरा कि जिंक आपके रिएक्टेंट साइड एक है और प्रोडक्ट साइड भी आपके एक ही है ना। सल्फर की बात करें यहां पे देखो रिएक्टेंट साइड एक है और प्रोडक्ट साइड देखो एक ही है। ऑक्सीजन की बात करें चार है, प्रोडक्ट साइड में चार है ना। दो हाइड्रोजन यहां पे है, दो हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट साइड भी है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अच्छा अनबैलेंस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड होगा वो इक्वल टू नहीं होगा किसके, प्रोडक्ट साइड के, है ना। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट साइड, है ना, इट्स प्रोडक्ट साइड। तो उस तरह के जो आपके रिएक्शन होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दो आप ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो इस केस में क्या बनते हैं, H2O बनता है, है ना, H2O बनेगा। देखो हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं रिएक्टेंट साइड, दो है, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, दो ही हैं, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितना है, दो, लेकिन प्रोडक्ट साइड देखो कितना है, एक ही है, है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे चलो एक काम करते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने कि मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन दो है यहां पे, लेकिन प्रोडक्ट साइड देखो कितने हैं, एक ही है, मैग्नीशियम एक है, प्रोडक्ट साइड आपके मैग्नीशियम एक ही है, बट ऑक्सीजन तो वैरी कर रहा है ना, तो इसमें आपके नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट साइड वो आपके इक्वल टू नहीं है प्रोडक्ट साइड के, है ना। और भी कई सारे एग्जाम्पल इसके आप केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हो, जैसे मान के चलो हमने लिख लिया N2+H2, तो ये बनाता है अमोनिया, ठीक है, ये बना गया आपको अमोनिया। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है इसीलिए 2 से दिखाता है ना, जो गैसियस फॉर्म में होता है वो बायोमोलिकुलर होता है, बायोमोलिकुलर होगा इसीलिए हम लोग यहाँ पे N2 लिख रहे हैं। हाइड्रोजन आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं इसीलिए H2 लिखते हैं ना। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो यहाँ पे देख सकते हो आप नाइट्रोजन दो है लेकिन प्रोडक्ट साइड कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे दो है और प्रोडक्ट साइड आपके कितने हैं, रिएक्टेंट साइड आपके दो है और लेकिन प्रोडक्ट की बात करें उसमें आपके तीन है। इस तरह से ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा। तो देखो अब क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9 में पढ़ा था, उसमें क्या था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, या फिर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है ना, जितने मास आपके रिएक्टेंट साइड में होंगे उतना ही मास आपका किस साइड होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। तो इसीलिए जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है ना उसे हमें बैलेंस्ड करने का जरूरत होता है, ताकि दोनों साइड ना नंबर ऑफ एटम आपके इक्वल हो जाए, राइट। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। हम लोग देखेंगे अभी हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। अनबैलेंस्ड को ही हम लोग बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, है ना। चलो सीखते हैं, देखो बैलेंसिंग सीखते हैं ना, बैलेंस कैसे करेंगे। CR केमिकल रिएक्शन, देखो एक चीज याद रखना, जो हम लोग इसमें जनरली अप्लाई करते हैं वो होगा हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। देखो जैसे मैंने एक रिएक्शन ले लिया H2+O2 और ये क्या बनेगा, H2O बन रहा है, ठीक है। अब देखो इस साइड रिएक्टेंट साइड आपके हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, दो ही है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितना है, दो, और प्रोडक्ट साइड कितना है, एक ही है, ये तो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब इसे बैलेंस करना है, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि यहां पे दो है तो ऑक्सीजन आपको दो ही चाहिए होगा, तो मैं यहां पे एक ट्रायल करता हूं, यहां पे मैं दो लगा देता हूं, ठीक है। तो ऑक्सीजन दोनों साइड अब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आपके बैलेंस नहीं है,
देखो यहां पे टू टू जा फोर हाइड्रोजन है, यहां पे दो ही हाइड्रोजन है, तो मैं यहां पे क्या लगा देता हूं, टू। तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। जिससे इसको बनाने के लिए, इसको ऐसे आप समझ सकते हो, अगर ये हम लोग ऐसे इसको हटा दें पहले, ठीक है ना, इसके कोफिशियंट को हटा देते हैं, तो पहले रिएक्टेंट साइड, ये रहा प्रोडक्ट साइड, ठीक, ये रहा आपका हाइड्रोजन और है आपके पास एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो बताओ रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं आप यहां पे, दो। प्रोडक्ट में कितने हैं, दो हाइड्रोजन, यानी कि बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे, दो, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, वन। तो ऑब्वियस सी बात है ये अभी क्या, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस किस में करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो टू से इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन अब यहां पे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट साइड के जो हाइड्रोजन थे उसमें भी दो से मल्टीप्लाई हो गया है ना, टू टू फोर हो गया, तो यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो इसलिए यहां पे दो लगा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से यह आप यहां पे बना सकते हो, है ना, इसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे देखो हमने ले लिया एन टू प्लस एच टू, ये क्या बनाएगा, अमोनिया, अमोनिया बनाएगा क्या, NH3, ठीक है, NH3। चलो इसको समझते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। देखो उसी तरह से हम लोग टेबल बना लें, यहां पे रिएक्टेंट और ये हो गया आपके प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे मैं दे देता हूं कौन कौन सा है एलिमेंट हमारे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहां पे नाइट्रोजन एंड देन यहां पे आपके हाइड्रोजन है। चलो बताओ नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है यहां पे, दो, लेकिन प्रोडक्ट साइड कितने हैं आपके, वन, तो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहां पे कितना है, दो, और वहां पे कितना है, तीन, राइट, ये अभी आपके बैलेंस नहीं है। तो देखो नाइट्रोजन यहां पे दो है और यहां पे है वन, तो क्या मैं इसे दो से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, जो प्रोडक्ट साइड है उसको टू से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन तो आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट अब देखो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन में भी तो आपको यहां पे जो प्रोडक्ट है उसमें भी तो दो से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये कितना हो जाएगा, सिक्स, है ना, ये कितना हो जाएगा, सिक्स। लेकिन अब हाइड्रोजन आपका यहां पे बैलेंस नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा बोलो, यहां पे थ्री लगाने होंगे तभी तो होगा ना बैलेंस, है ना। तो हाइड्रोजन हमने यहां पे थ्री लगा दिया, अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आओ हम लोग और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। चलो देखो थर्ड नंबर पे देख लेते हैं, हमने मीथेन का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो ये जो रिएक्शन होगा क्या होगा, CO2 और क्या होगा, H2O बनेगा, है ना। जब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, ये सबका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो CO2 along with H2O आपके बनते हैं, ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। देखो अब ये सब समझना है आपको, क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। पहले कार्बन यहां पे एक है, एक है यहां पे कार्बन, चलो कार्बन आपके बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो यहां पे कितना है, दो है, लेकिन उस साइड देखो कितने हैं, तीन है, है ना, तो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट साइड कितने हैं, चार है, लेकिन प्रोडक्ट साइड की बात करें वहां पे आपको दो ही मिलेगा, तो ये आपके अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ना। तो चलो हीट एंड ट्रायल मेथड है ना। देखो मैं दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा, पहले हम लोग समझेंगे यहां पे हीट एंड ट्रायल, है ना, बेस मेथड यही है, आपको इंप्लीमेंट करना है इसी मेथड को। तो यहां पे देखो CH4 हाइड्रोजन कितने हैं, चार, और यहां पे दो है, तो बैलेंस करने के लिए क्या मैं यहां पे टू लगा दूं, ठीक है, यहां पे लगा देते हैं टू, लगा दिया, ठीक है। देखो यहां पे चार हाइड्रोजन अब कितने हो गए, चार हाइड्रोजन, राइट। जैसे मैं लिख देता हूं इन चीजों को, जैसे मान के चलो यहां पे है रिएक्टेंट और ये है आपके प्रोडक्ट, ठीक है, और कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और आपके ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड कार्बन की बात करें तो कितना है, वन, उस साइड की बात करें तो वन। हाइड्रोजन कितना है यहां पे, देखो चार, वहां पे कितना है, अभी इसको जब हटा देंगे तो कितना था, दो था ना। चलो ऑक्सीजन कितना है इस साइड, दो, और ऑक्सीजन उस साइड कितना है आपका, थ्री, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पे कितना है, चार, दो उस साइड था, कार्बन यहां पे एक है, प्रोडक्ट साइड भी आपके एक ही है, ऑक्सीजन की बात करें दो है, यहां पे कितना है, तीन है। चलो अब देखो इसमें सिंपली हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन में इसे टू कर देते हैं तो टू टू सा कितना हो जाएगा, फोर, है ना। तो अब हाइड्रोजन आपका वहां पे बैलेंस्ड है, ठीक। अच्छा कार्बन आपका ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस था, कार्बन आपका ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है ना, वन और वन दिया हुआ है।
तो अब क्या करना था वैलेंस आपको, ऑक्सीजन। लेकिन देखो इस हाइड्रोजन में आपके ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन अब कितना हो जाएगा, 2 और यहां पे 2, यानी कि 4 ऑक्सीजन है ना। अब कितने हो गए आपके वहां पे, 4 ऑक्सीजन हो गए, किस साइड, प्रोडक्ट साइड है ना, तो प्लस 1 हो गया। तो ये है, अब हो गया 4, तो क्या मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा ना, है ना, जो ऑक्सीजन है इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका अब क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। तो ये एक मेथड है, इसके अलावा हम लोग एक दूसरे मेथड को भी समझने वाले हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं एक नया मेथड जिसमें हम लोग कोई भी किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन हो उसे आप बैलेंस कर सकते हैं।